जिसमें हमको त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिकोणमितीय समीकरण को हल कीजिए जब थीटा कहां से कहां तक होगा, जीरो जीरो से लेके 90 डिग्री के बीच में, यानी कि थीटा 0 से 90 के बीच में होगा, ठीक है। इसको हल करना है, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो थीटा 0 से 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा। इसके लिए फिर से हमको एक टेबल को याद करना है, ठीक है। टेबल को देखिए, टेबल कैसे बनता है, फिर से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है तो हो गया। अब फिर से क्या लिखते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कितना होगा, साइन थीटा 0, उसके बाद कितना 1/2, फिर कितना हो गया 1/√2, फिर कितना हो गया √3/2, उसके बाद क्या आएगा 1। ये वाला मान तो हमको याद करना ही है कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2, उसके बाद क्या आता है 1 आता है। इसके नीचे में देखिए, इसके अपोजिट में आया ना ये 1, फिर कितना होगा √3/2, फिर क्या आएगा 1/√2, फिर कितना आएगा 1/2, फिर क्या आएगा 0, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 0। उसके बाद देखिए टेन थीटा का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, साइन और कॉस को क्या देते हैं, भाग दे देते हैं। 0/1 कितना होगा 0, फिर इसमें देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचेगा कितना 1/√3, ठीक है। देखिए इसमें कितना हो गया, हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचेगा कितना 1/√3, 1/0, यानी कि जब भी किसी संख्या को 0 से भाग देता हूं तो क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, ठीक है, इन्फिनिटी आ जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे पास, त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करना है, यानी कि इसमें आप एक चीज याद रखिए कि हमको हमेशा क्या, किसका मान निकालना है, थीटा का मान निकालना है, हमेशा किसका मान निकालना है, हमें थीटा का मान निकालना है, ठीक है। ये सोच के चलना है कि हमको थीटा का ही मान निकालना है, ठीक है। देखिए अब इसको हल कैसे करेंगे, हम हल करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। देखिए इसको क्या कर सकता हूँ, साइन थीटा, देखिए यहाँ कुछ नहीं आने की, 1 का मल्टीप्लीकेशन है कॉस थीटा के साथ। अब देखिए ये गुणा में इधर आ जाएगा, कितना होगा ये, भाग हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है, यानी कि कितना होगा 1, ठीक है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा के बराबर, टेन थीटा के बराबर हो गया 1, ठीक है। देखिए अब इस 1 को कन्वर्ट करना है कि 1 टेन थीटा के टेबल में देखिए कितने में आता है, कितने में आता है, देखिए 1 में आता है, 1 कितने में आता है 45, ठीक है। क्या लिखूंगा मैं इसको, क्या लिखूंगा, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 45 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा 1 होगा, क्योंकि टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। इसका मान देखिए टेन थीटा, टेन 0 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। देखिए ये हो गया, अब इसमें क्या होगा, थीटा का मान निकालना है, तो देखिए ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाता है, ऐसा हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जाने के बाद इनवर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू कितना दिख रहा है हमको, यहाँ पर 45 डिग्री दिख रहा है, क्योंकि यदि हम मान लें ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जा रहा है ऐसा करके, तो थीटा इज इक्वल टू क्या दिख रहा है हमें, 45 दिख रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, इसमें पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया 45, ठीक है। क्या क्या इसमें, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा 1 × कॉस थीटा के बराबर होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगा तो कितने में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है, तो 1 के बराबर, तो टेन थीटा किसके इज इक्वल टू 1 1। अब जब 1 आ गया ना, टेबल में देखना है 10 के किस कितने मान के लिए आता है, 45 के लिए, तो इधर क्या लिखा, 10 45, ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है मेरे पास, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 2 cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1, ठीक है, 2 cos थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 1। तो अब क्या करेंगे हम इसमें, इसमें देखिए फिर से क्या करेंगे, हमको थीटा का मान निकालना है, थीटा का मान निकालना है, हल करने के लिए क्या करूंगा मैं, ठीक है, क्या होगा cos थीटा, देखिए ये 2 इधर किसमें है, गुणा में है, इधर जाएगा तो कितना, किसमें जाएगा, भाग में 1/2, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिखूंगा cos थीटा, देखिए cos के टेबल में 1/2 कितने में आते हैं, 1/2 यहाँ आया है, देखिए कितने में आए हैं, cos के 60 डिग्री में, ठीक है, cos के 60 डिग्री में 1/2 आया है, तो यहां से एक cos, ये वाला cos कैंसिल हो गया, बचा कितना theta इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। क्या किया, देखिए 2 इधर किसमें था, गुना में था, किधर जाएगा तो कितने में, किसमें हो जाएगा, भाग में, तो 1/2 cos थीटा बराबर कितना हो गया cos 60 डिग्री,
तो थीटा इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री आंसर। देखिए टेबल में देखा 1/2 कितने में आता है, कॉस के 60 डिग्री में आता है, ठीक है। तो इसलिए यहां लिखा कॉस 60 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पास 60 डिग्री, ठीक है। ये यहां से हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन मेरे पास दिए हुए हैं 2 sin² θ इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/2, 2 sin² θ इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/2, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे हल, ठीक है। देखिए दो इसमें क्या है, गुना में है क्या, गुना में कुछ नहीं है यहाँ देखिए, यहाँ पास गुना है। तो इसमें क्या आएगा sin² θ इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए दो इधर गुना में है, नीचे में आएगा तो किसमें हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा, और ये दो के साथ किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, ठीक है। ये दो पहले से भाग में है और ये दो और आएगा तो इसके साथ गुना में हो जाएगा, यानी कि अब कितना हो गया sin² θ इज इक्वल टू कितना हो गया 1/4, ठीक है। देखिए अब यहां से क्या करूंगा मैं, दोनों पक्ष में क्या लेना पड़ेगा मेरे को, इस वर्ग को हटाना है तो क्या लेना पड़ेगा वर्गमूल, तो दोनों पक्ष में क्या ले लिया वर्गमूल ले लिया, ठीक है 1/4, ठीक है। देखिए ये वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे को कैंसिल करके आ जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा सिर्फ sin θ, और यहाँ पर देखिए 1/√4 कितना होगा, 1/√4 वन का अंडर रूट कितना होता है 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√4, ठीक है। तो ये आएगा 1 और ये होगा देखिए वर्गमूल 4 कितना होगा 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो इसका वर्गमूल करूंगा तो कितना आएगा 2, ठीक है वर्गमूल कितना आएगा 2। अब यहां से कितना बचा मेरे पास, देखिए यहां पास कितना आया है, यहां पास आया है sin θ इज इक्वल टू आया है 1/2, sin θ इज इक्वल टू कितना आया है 1/2, देखिए अब sin θ इज इक्वल टू कितना आया है 1/2, कितने में आएगा, देखिए sin के टेबल में कितने में आता है 1/2, 30 में आता है, तो sin θ इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पास sin 30 डिग्री, यहां से कितना आ जाएगा θ इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पास क्या किया, दो किस में था गुना में था, उसको भाग में ले आया तो sin² θ इज इक्वल टू कितना हो गया 1/4, ये 2 ये स्क्वायर है तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को वर्गमूल करना पड़ेगा, तो वर्गमूल किया दोनों पक्ष में, ठीक है। तो यहाँ पास कितना आ गया sin θ और कितना हो गया 1 और ये √4 तो कितना आ गया 1/2, तो sin θ इज इक्वल टू 1/2 और इसमें देखिए 1/2 कितने में आता है साइन के टेबल में 30 डिग्री में आता है, तो क्या हो गया sin 30 cos θ इज इक्वल टू 30 डिग्री इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए तीन क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे पास, चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है 3 tan²θ - 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे पास चौथा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करूंगा, देखिए अब क्या करूंगा 3 tan²θ इज इक्वल टू, देखिए 1 इधर किसमें है माइनस में, अब क्षमता करने में कितना किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाने में क्या हो जाता है साइन का चेंज हो जाता है, इधर माइनस है तो दूसरे तरफ क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। अब क्या होगा tan²θ इज इक्वल टू कितना होगा 1/3, कितना होगा 1/3, ठीक है 1/3, देखिए ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो कितना में होगा भाग में होगा, देखिए ये इधर किस में है गुणा में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से देखिए फिर से स्क्वायर दिया है, स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है दोनों पक्ष में वर्गमूल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा वर्गमूल, तो वर्गमूल tan²θ इज इक्वल टू √1/3, कितना हो गया वर्ग और वर्गमूल कैंसिल हो गया, बचा कितना tan θ, और इसको क्या लिखूंगा 1 का तो 1 ही होता है और 1/√3 लिखूंगा इसको 1/√3, क्योंकि 3 का वर्गमूल कितना होता है वर्गमूल 3 ही होगा, ठीक है। अब देखिए 10 के कितने में आ गए 1/√3 कितने में आए हैं, देखिए tan θ में 1/√3 कितने में आए हैं 10 30 डिग्री में आए हैं, तो कितने में आए हैं 10 30 डिग्री में। अब क्या हो गया यहां से ये और ये 10 कैंसिल हो गया, बचा कितना थीटा इज इक्वल टू कितना आया 30 डिग्री इसका आंसर हो गया, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे के क्वेश्चन हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे।